मुन्ना भाई मुन्ना सर इधर भाई यहाँ पर अरे रुको तो एक मिनट भाई मुन्ना भाई इधर भाई लास्ट तो क्या बोल हाँ तो घर वालों ने एक पार्टी रखी थी और मैं बहुत मैं ऐसी इस तरह की पार्टी का मैं पार्टीज नहीं करता हूँ मैं पार्टीज बहुत लाइफ में बहुत कम गया हूँ और जो एक पार्टी थी जो हमने करी थी और लॉकअप से आने के बाद नेक्स्ट डे और उसके बाद ये दूसरी पार्टी है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ तो मज़ा इस पार्टी के बारे में ये था कि इसमें मेरे सब पुराने पुराने लोग थे जो मुंबई में 15 साल पुराने दोस्त थे जो नल बाज़ार में जब मैं बर्तन की दुकान में काम करता था तो वो वाले दोस्तों को मैंने बुलाया था और हम लोग अभी भी टच में हम लोग मिलते रहते हैं हम लोग मैं लॉकअप जाने से 2 दिन पहले उन सब से मिला था और जब मैं डोंगरी पर आया तब भी वो सब घर पर आए थे मुझे मिलने तो ये बस ये पार्टी जो थी उसकी खासियत ही ये थी कि इसमें सब पुराने पुराने लोग थे जो एकदम जब मैं कुछ नहीं था तब से मुझे जानने वाले तो सबको चुन चुन के कहीं ना कहीं से बुलाया और फैमिली वालों ने एक बहुत अच्छा मुझे लाइक मतलब ऐसा फील कराया कि मैं कुछ हूँ जो कि फैमिली वाले नहीं करा पाते क्योंकि उनको आधे टाइम तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ जब कॉमेडी सीख रहा था तब 1-1.5 साल तक उनको समझ नहीं आ रहा कि कुछ तो कर रहा है ओपन माइक बोलता है बट कुछ पता नहीं है पैसा तो नहीं आ रहा है घर में तो वैसा था तो उनको कभी पता ही नहीं था यूट्यूब पर जब वीडियो डाला तब भी लगा कि इसमें क्या कर रहा है ये क्या होता है ये वो फिर धीरे धीरे जब घर के नीचे लोग आने लगे चॉकलेट लेके कोई आ रहा है कोई तो वैसा वैसा तो उनको लगने लगा कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा है तो आज सब लोग यहाँ पे थे मोस्ट ऑफ मतलब 90% लोग यहाँ पे थे और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आज मैं गाया आज स्टेज पर मैंने परफॉर्म किया अपना ही रैप सॉन्ग मैंने आज नाचा अपने दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत खुशी हुई कुछ नहीं वही घर वालों से बातें थी आप तक ये चीज़ें कैसे पहुंची पता नहीं बट अभी तो और भी बहुत सारे शोज आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी हाँ बिग बॉस ओटीटी तो क्या लगता है कि इसमें आओगे आप बस सारी चीज़ों का काम चालू है पता नहीं कौन से शो में आ सकते हैं या खुद शो बना लें या यूट्यूब पे कुछ आ जाए कॉन्टेंट बहुत सारा काम करना है कौन से डायरेक्शन में करना है वो तो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है तो लेट्स सी मैं काम तो करने के लिए पहले से ही कर रहा हूँ 17 साल से कर रहा हूँ तो अभी क्यों बैठूंगा चुपचाप फ्रेंड्स और खिलाड़ी के लिए नाम भी आ रहा है हाँ इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा ये रूमर है या सच है ये मुझे मैं यही बोलना चाहूँगा अभी के लिए कि मैं अनाउंस कुछ भी नहीं करता हूँ अगर नहीं भी जा रहा तो मैं क्यों बताऊँ और जा भी रहा हूँ तो मैं अभी क्यों बताऊँ एक सही वक्त होगा हर चीज़ों का बताने का तो मुझे लगता है कि हमने बहुत से बार देखा है कि अगर कोई भी शो जीतता है तो बहुत कुछ ऑफर होता है लाइक मूवीज एंड म्यूजिक वीडियो एंड मेनी मोर तो हाँ। कुछ ऑफर आया है ऑफर तो बहुत आया मेरे को तो अभी सुबह मैंने एक मेल पढ़ा एक अंडरवेयर ब्रांड भी आया मेरे पास तो ऑफर तो हर तरीके के आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं तो मूवी से लेकर अंडरवेयर तक सब बेचने का आ रहा है ऑफर तो बट वही है कि काम मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफर है मैं वो काम कर लूँ मैं उस वजह से नहीं करता हूँ मैं कंटेंट मैं हमेशा एक एज अ राइटर एज अ कमेडियन मैं हमेशा कंटेंट में बिलीव करता हूँ तो जितना क्वालिटी और टाइट मटेरियल होता है मैं उस तरह की चीज़ों में काम करूँगा तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी आई कि जो वीक है और जस्ट बिकॉज वो बड़ी चीज़ है तो मैं कर लूँ नहीं मेरा ऐसा नहीं होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट होगा क्वालिटी कॉन्टेंट होगा तो ही मैं कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करूँगा ऐसा मैं चाहता हूँ तब का पता नहीं जब आए तब बट अभी तो मैं नहीं जाना चाहता मेरे को तो बाहर बाइक पर घूमने हैं लॉकअप के बाद जितने भी लॉकअप के आपके फ्रेंड्स थे तो सबके साथ कोई ट्रिप एंड और कुछ सोचा है अभी तो ट्रिप ट्रिप नहीं सोचा है क्योंकि अभी तो काम ही चल रहा है हम लोग अंदर तो बहुत बातें कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे बट ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं सोचा कोई अगर मैंने जैसे अभी बोला जिस तरह का प्रोजेक्ट हो अगर कोई आ जाए तो क्यों नहीं देख सकते आप जरूर देख सकते हो थैंक यू सो मच ऑल द मैसेज टू ऑल द फैन बहुत सारा प्यार और बस ऐसे ही प्यार करते रहना मिलूंगा डेफिनेटली सी यू